एक वक्त था जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का भौकाल टाइट था। उसके गुर्गों का काम तो बस मुख्तार का नाम लेने से ही बन जाता था, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। मुख्तार अंसारी को एक बार फिर 10 साल की सजा होने के बाद उसके गुर्गे अब टारगेट पर हैं। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर की, जहां मुख्तार अंसारी के गुर्गे के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। IS-191 मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंगद राय की लगभग 7,17,00,000 की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। हत्या आरोपी और उम्र कैद की सजा में हाई कोर्ट से फिलहाल जमानत पे रिहा हुआ अंगद राय 50,000 का इनामी भी है। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर अंगद राय भावरकोल के शेरपुर गांव का रहने वाला है। मंगलवार को भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया। एक बदमाश है अंगद राय, जो IS-191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहाँ, और खुद भी ये आजीवन कारावास का सजायाबी है। वर्तमान में भी बिहार जेल में बंद है और इस समय यहाँ पे भी ये जनपद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था और इस पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत थे, उसी में इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई है। तो आज इसकी दो बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7,75,000। 50,000 के इनामिया गैंगस्टर अंगद राय की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई होने के बाद अब उसके बाकी साथियों की भी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि इसी तरह से लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसके गैंग में और भी जो लोग थे उनका भी चिन्हीकरण करके उनके द्वारा भी जो अवैध और अपने कुकृत्यों से जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी चिन्हीकरण कराया जा रहा है। शीघ्र ही और अधिक प्रभावी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर तथा अंगद राय के जो और सहयोगी थे उसके गैंग में उनके विरुद्ध की जाए। तो मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP दल।